वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल प्राइम। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी सेल इनवॉइस और सर्विस इनवॉइस की एंट्री हम किस तरह से करेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं एक बिल। इस बिल में आप देख सकते हैं कुछ स्पेयर पार्ट, कुछ एसेसरीज और साथ में सर्विस, यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्विस की भी एंट्री है। इस तरह की एंट्री बिल आप किस तरह से टेलीप्रेम में करेंगे वो मैं आपको वन बाई वन करके समझाता हूँ। सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टेली पे आ जाएंगे। यहाँ पर वाउचर टाइप आप देख रहे हैं, इसमें जाएंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम इसे इस डेट में, जो डेट है, जो वाउचर नंबर है, वो डेट वाउचर नंबर हम यहाँ पे ले लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे वो डेट और वाउचर नंबर ऑटोमेटिक ये किस तरह से आया है, इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आप वहाँ से जा करके समझ सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक किस तरह से जनरेट होगी। एक तारीख के डेट में हम करेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ सेल एंट्री का मूड जो है चेंज है हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो यहाँ से आप जाइएगा और चेंज मूड पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे तीन तरह का ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला आइटम वाइज अगर आप करना चाहते हैं तो आइटम पे जाकर के एंटर करिएगा या आइटम वाइज मूड में आ जाएगी। फिर चेंज करिए, नेक्स्ट आ जाइए, अकाउंटिंग इनवॉइस मूड में आ जाइए, यहाँ पर आपका आइटम वाइज सिस्टम नहीं आएगा। और तीसरा ऑप्शन है कि आप एकदम से एज ए वाउचर सिंपली एंट्री मारना चाहते हैं तो उसके लिए, ये तीनों मोड यहाँ पे दे दिया है। तो पहला, सबसे पहले मैं चूज करता हूँ आइटम वाइज इनवॉइस की, क्योंकि तो मेरे बिल में भी आप देख रहे हैं यहाँ पे आइटम वाइज दिया हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा करके सब कुछ यहाँ आइटम वाइज लिया हुआ है। तो हम आ जाते हैं फिर से गेटवे ऑफ टैली पर, और यहाँ पर आप सबसे पहले दो चीज़ देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे ले लिया है, आप यहाँ पे जाइएगा, सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारा वाउचर टाइप बना रखा है। अगर आप सिर्फ सिर्फ स्पेयर सेल इनवॉइस का बनाना चाहते हैं या टू व्हीलर में करना चाहते हैं, वारंटी या एफएससी से रिलेटेड अगर आपका व्हील है, तो इस तरह के जो भी हैं आप उस तरह के वाउचर टाइप सिलेक्शन करके भी एंट्री कर सकते हैं अगर आपको बेटर लगे तो। नहीं तो सिंपली भी आप सेल का ऑप्शन चूज करके सेल वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सब कुछ अलग अलग टाइप कर दिया है ताकि मुझे रिपोर्ट निकालने में या को जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं फिलहाल स्पेयर सेल और सर्विस से रिलेटेड आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ ऑटोमेटिक ले लिया है। अब हम यहाँ पे आएंगे और बिल में जाएंगे। बिल में हम देखेंगे कि ये ट्रिपल ए नाम का किसी आदमी ने, किसी कस्टमर ने यहाँ पर ये सारे सामान परचेज किए हैं और उस पर सर्विस चार्ज भी लगा है। तो इस तरह की एंट्री हम किस तरह करेंगे, तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा। यहाँ पे मैंने इस पार्टी का नाम सबसे ऊपर में आ चुका है, पहले से ही क्रिएट है। लेजर कैसे जनरेट करेंगे, उसका मैनेजमेंट किस तरह करेंगे, ये मैं पहले बैक वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ से। यहाँ से इस लेजर को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम आएँगे, सबसे पहले इस आइटम को लेंगे। तो आइटम देख रहे हैं, आइटम का नंबर आ चुका है। और जब आप मेरे इस टैली वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से ऑप्शन चूज करिएगा और यहाँ पे आपका आइटम का नाम, पार्ट नंबर वगैरह वगैरह बहुत से, मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने वोल्ट टाइप किया, वोल्ट से रिलेटेड बहुत सारे आप देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आइटम का नाम जनरेट करूँगा सिर्फ वोल्ट वोल्ट करके, तो एक बार में एक नाम के अधिक आइटम नहीं बन पाएंगे। इसलिए उसके लिए आपको करना क्या है, आपको पार्ट नंबर को आइटम करना है, आइटम को आपको डिस्क्रिप्शन में रखना है ताकि आपको नाम और डिस्क्रिप्शन दोनों ही HSN कोड वाइज, ग्रुप वाइज, GST नंबर वाइज, परचेज अमाउंट वाइज, क्लोजिंग स्टॉक, सब कुछ यहाँ पे आपको शो हो सके। इसलिए मैंने यहाँ पे सारे को पार्ट नंबर में जनरेट किए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 456 पार्ट नंबर है, 456 पार्ट नंबर मेरा ये सेकेंड नंबर में है, तो मैंने इसे ले लिया है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक जो भी इसका एमआरपी प्राइस है वो ले चुका हूँ मैं। क्वान्टिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वन पीस है, तो वन पीस मैंने भी यहाँ पे ले लिया है। और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक 187.50 रुपये आ चुका है। अब ये कितना परसेंट में है, तो इसको देखने के लिए अगर आपके पास बिल है तो अच्छी बात है, बिल में नहीं है तो आप यहाँ से एक बार फिर बैक जाइए, बैक में आ जाइए और यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे 28% का यहाँ पे ऑटोमेटिक शो कर रहा है। तो आप यहाँ पर जाइएगा, यहाँ से आपको लेजर चूज करना है। स्पेयर सेल है, स्पेयर सेल यहाँ पर मैंने बना रखा है सारे के अलग अलग लेजर अकाउंट जितने भी सेल हैं सबके। तो यहाँ से मैं चूज करूँगा स्पेयर पार्ट सेल एट द रेट 28%, क्योंकि ये मेरा जो आइटम जो है
ये 28% वाला है। अगर 18% वाला रहता तो ये चूज करता, 5% रहता तो ये, 12% रहता तो इसको मैंने अपने ऑप्शन में लेना था, तो 28% वाला को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। और फिर नेक्स्ट आइटम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आइटम पे क्या है आप देख सकते हैं, नेक्स्ट आइटम में आइए, ये 3700 पार्ट नंबर वाला मेरा जो है, यहाँ से आप डायरेक्ट टाइप करेंगे तो भी यहाँ पे आ जाएगा, और इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये कितना परसेंट है और आपको देखना है, अगर तो यहाँ से जाइए बैक एक बार, 18% ये GST आपका शो हो रहा है। यहाँ से हम जाएंगे और ये कितना पीस है, 2 पीस है, तो यहाँ पे मैं इसे 2 पीस ले लूँगा। ओके, अब स्पेयर पार्ट सेल हुआ है 18%, पहले 28% वाला था तो ये मैंने लिया, अभी 18% है तो ऊपर वाला मैं सेलेक्ट कर लूँगा और इसे सेव कर लूँगा। नेक्स्ट मेरा आइटम है फिर 40000, यहाँ से 40000 मेरा आ चुका है, टाइप करते ही ऑटोमेटिक ले लिया, ये 18% में है तो इसे भी मैं, कितने पीस में मैंने सेल किया, 1 पीस, तो इसे भी मैं, ये मेरा क्या है वो चेक कर लीजिए आप। पहले यहाँ पे आ जाइए और आप देख रहे हैं ये मेरा ग्रुप लुब्रिकेंट है, ग्रुप भी शो कर रहा है, लुब्रिकेंट भी शो कर रहा है, सब कुछ। इसका मैंने अलग से लेजर बना रखा है, जो कि आप यहाँ पे जब सेलेक्ट करिएगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा लुब्रिकेंट 18% का, यहाँ पे स्पेयर 18% सेल है, ये लुब्रिकेंट 18% सेल है। ओके, इसे भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन आ जाता है मेरा क्या, सर्विस चार्ज अब लगा है मेरा, वो भी मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करूँगा। सर्विस चार्ज को अगर आपको सेलेक्ट लेना है तो आप ये टोटल अमाउंट जो यहाँ पे शो रही है उसके बाद एंटर करिएगा और फिर एक बार एंटर करिएगा, उसके बाद आप सर्विस का ऑप्शन आपके लेजर में आ जाएगा। और इस पर कितना लगाया आपका सर्विस चार्ज, तो 50 रुपया, तो आप यहाँ पे 50 रुपया दे देंगे। उसके बाद आपका जो भी CGST SGST है, सबसे पहले मेरा 28% लगा है तो मैं यहाँ CGST 14% लोकल है, SGST 14% लोकल है, आपका लोकल है तो लोकल, और इंटरस्टेट है तो उस हिसाब से आप इंटरस्टेट का लेजर आपको बनाना पड़ेगा SGST। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल इंक्लूड होकर के आ चुका है मेरा 924 रुपया, 924 रुपया। इस तरह से यहाँ पे हमने रेशन में टाइप कर दिया है सब कुछ, यहाँ पे देख लीजिए कोई भी डाटा आपका मिस मैच नहीं है, सब कुछ मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। तो इस तरह से आप भी सेल और सर्विस का अगर एक साथ एंट्री करना चाहते हैं, सेम एज ए चीज, कुछ भी अंतर नहीं है, ऐसे ही करना है, कोई ये डिफिकल्ट नहीं है। इस तरह से आप यहाँ पे इसे सेव कर लेंगे। पहला एंट्री आपने देख लिया कि किस तरह करना है, अब दूसरा एंट्री मैं आपको दिखाता हूँ। इस बिल में आप देखिए सिर्फ सर्विस चार्ज लगा हुआ है और इसके अलावा कुछ भी नहीं लगा हुआ है। अगर मुझे सिर्फ सर्विस चार्ज की एंट्री करनी है तो किस तरह से करेंगे, फिर गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, यहाँ पे जा कर के ये नेम ऑफ आइटम है तो इस मोड को आपको सबसे पहले चेंज करना है। आ जाना है किस पे, अकाउंटिंग इनवॉइस पे, या आइटम वाइज में रहते हुए एंट्री करना है तो फिर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे डेट। डेट सेलेक्ट करने के बाद आप देख लेंगे कि ये कैश में सर्विस सेल हुआ है तो यहाँ से आप कैश लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। और आइटम में फर्स्ट आइटम आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप इसको एक बार एंटर कर लीजिएगा। जब ये एंटर करिएगा तो इंड ऑफ लिस्ट आ जाएगी, इंड ऑफ लिस्ट आने के बाद आप यहाँ से सर्विस वाला ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और आपका जो भी अमाउंट लगा है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। कितना लगा है, 593 रुपया 22 पैसा, तो यहाँ पे इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप CGST 9% और SGST 9%, और ये 700 रुपया आपका टोटल यहाँ पे आ चुका है। एक ऑप्शन तो ये हो गई कि आप इस तरह से करके आप इसे सेव कर सकते हैं। ओके, दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ से चेंज मोड कर लीजिए और अकाउंटिंग इनवॉइस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, ये जो अकाउंटिंग इनवॉइस सेलेक्ट देख रहे हैं, और इसको एंटर कर लीजिए। जब भी आप एंटर करिएगा तो इसमें आपको चेंजिंग दिखाई देगी, यहाँ पहले आइटम वाइज आता था अब यहाँ पे पर्टिकुलरली वाइज आ रहा है। यहाँ से आप फिर से इसे कैश सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ अब आपको एंटर नहीं मारना है, यहाँ पे सीधे आपको सर्विस टाइप जैसे ही एंटर करिएगा यहाँ आपको पूछेगा
ऑप्शन कि आपका टोटल सर्विस कितने का है, तो मेरा टोटल सर्विस 4,700 रुपया है। तो 700 रुपया जब भी मैं यहाँ पे दे करके एंटर मारूंगा, ये 593 रुपया 22 पैसा जो मेरा है ये वाला वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। उसके बाद आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लीजिए टैक्स क्लासिफिकेशन को, और यहाँ पे आपसे GST 9% और SGST 9% लगा दीजिए। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आपका 700 रुपया ही आया है। आप इस तरह भी ये एंट्री सर्विस की कर सकते हैं। दो एंट्री आपने देख लिया सेल और सर्विस की किस तरह से होगी। अब तीसरा एंट्री मैं आपको समझाता हूँ। अब इस बिल में आप देखिए कि इस बिल में मैंने दे रखा है स्पेयर पार्ट सेल 18% इतना हुआ है, स्पेयर पार्ट सेल 28% मेरा इतना हुआ है, सर्विस चार्ज इतना लगा है मेरा। यहाँ पे सब कुछ आइटम नहीं आ रहा है, सिर्फ डायरेक्ट लेजर आ रहा है और कौन सा आइटम कितना परसेंट सेल हुआ है उसका डिटेल यहाँ पे आ रहा है। इस तरह की अगर मुझे एंट्री करनी है तो कैसे करेंगे? इस तरह के बिल की एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे। मूड मैंने चेंज कर लिया है पहले से ही। आप यहाँ पे अगर ये आइटम वाइज है तो इस मूड को चेंज करके आप यहाँ से चेंज मूड में जाइएगा और इसे अकाउंट इनवॉइस टाइप कर दीजिएगा। और यहाँ पे हम आ जाएंगे, सबसे पहले लेंगे कैश में, मेरा सेल है तो कैश में ऑप्शन लेंगे। यहाँ पे हम स्पेयर पार्ट सेल लेंगे, स्पेयर 18% सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप जैसे ही मैंने स्पेयर पार्ट सेल 18% सेलेक्ट किया तो ये पूछ रहा है स्पेयर पार्ट सेल में आपका टोटल इंक्लूड वैल्यू कितना है। अगर आपको यहाँ से इंक्लूड वैल्यू टोटल का एक ही बार में पता चल रहा है या आपका टोटल अमाउंट 18% का है तब तो ये टोटल वैल्यू आप यहाँ से दे दीजिए। अगर नहीं फिर आप इसको स्केप करके आगे बढ़ जाइए और यहाँ से जो अमाउंट आपका आ रहा है 677 रुपया 97 पैसा वो दे दीजिए। फिर नेक्स्ट जो है 28% स्पेयर पार्ट सेल है तो फिर आप इसे स्पेयर पार्ट को सेलेक्ट करेंगे 28% वाला। फिर यहाँ पे आपको टोटल इंक्लूड अमाउंट नहीं पता है तो यहाँ पे इसको स्केप करके यहाँ पे आप ये वाला अमाउंट जो है आपका 703 रुपया 13 पैसा ये अमाउंट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसको भी एज इट इज रहने देना है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये बार बार ये ऑप्शन आ रहा है क्लासिफिकेशन नेचर। ये क्लासिफिकेशन नेचर सेल ऑफ कंज्यूमर कर रहे हैं, कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं ये सारे गुड्स, इसीलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक इससे पहले से ही इस लेजर में सेलेक्ट है, इसलिए सेल ऑफ कंज्यूमर ऑटोमेटिक ले लिया है। आपको इसमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे आ रहा होगा फिर आपको यहाँ पे फिल करना है। ओके, अब नेक्स्ट है सर्विस चार्ज। अब यहाँ पे हम फिर से सर्विस चार्ज का ले लेंगे। सर्विस चार्ज में भी टोटल अमाउंट अगर आपको नहीं पता है तो इसको भी स्केप कर दीजिए और यहाँ पे आ जाइए और ये टोटल अमाउंट 423 रुपया 73 पैसा जो आपका ये वाला अमाउंट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए। अब आपको पूछ रहा है कि आप इस पे 18% 28% और 18% पे CGST SGST लगा करके इसे फाइनल कर सकते हैं। तो CGST मैंने 14% का पहले ले लेता हूँ, ऑटोमेटिक ले लेगा, ये सब सब डाटा ऑटो फिट है। फिर CGST 9% में ले लिया, SGST फिर ले लेंगे 9%, ये मैंने ले लिया। और यहाँ पर ये 2,203 पैसा आ रहा है तो इसे आप राउंड ऑफ कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये राउंड ऑफ में ले लेगा और आपका ये बिल रेडी हो चुका है। इस तरह से आप इसको भी यहाँ पे सेव कर लीजिए। तो आपने देख लिया कि सेल की एंट्री आप तीन तरह से किस तरह प्रकार करेंगे। आपको वन बाय वन करके आपको तो हम लोग गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। यहाँ से जाएंगे डिस्प्ले में, डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे अकाउंट बुक में, अकाउंट बुक ये रहा। और उसके बाद हम जाएंगे सेल में, सेल एंट्री किया है टोटल अप्रैल में मैंने एंट्री की है तो अप्रैल वाला खोल लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए चार्ट मैंने एंट्री किया है, इस चारों को ऑल्ट F1 आप प्रेस कीजिए, आपका ये सारा डिटेल यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देख लीजिए सब एज इट इज, यहाँ पे सिर्फ से लेजर दिख रहा है सबका, जबकि यहाँ पे जब एंटर मारिएगा तो यहाँ पे आपका टोटल MRP नंबर सहित सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और किस तरह से आपने सर्विस की एंट्री की है, किस तरह से सेल की एंट्री की है, सेल और सर्विस की एक साथ किस तरह एंट्री होगी यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं। इस तरह से दूसरे में जाइए, यहाँ पे सिर्फ अगर सर्विस की एंट्री आपको करना है तो आप बिल्कुल इस तरह से करेंगे, आइटम का पहला ऑप्शन छोड़ देंगे, इंड ऑफ लिस्ट के बाद सर्विस का ऑप्शन लेंगे।
एक ये है एंट्री सर्विस करने का तरीका, दूसरा इस तरीके से आप मूड चेंज करके यहाँ से, जो कि मैंने अभी बताया है, इस तरह से भी आप सर्विस की एंट्री और ये आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर सिर्फ आपको विदाउट आइटम वाइज अगर एंट्री करना होगा तो आप किस तरह से करेंगे, पहले मूड चेंज करके पार्टिकुलरली में आ जाएंगे, आइटम मूड को चेंज करके हटा देंगे और फिर आप इस तरह से डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं। इस तरह से आपने देख लिया कि किस तरह से तीन ऑप्शन, तीन तरीके से आप, दो तरीके से आप कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बताया, गेटवे ऑफ टैली पे जा करके आप यहाँ से चले जाइएगा वाउचर में भी प्रेस करके, और फिर यहाँ से चेंज मोड में जाना है। अब पहला आइटम इनवॉइस एंट्री दिखा दिया मैंने, अकाउंट इनवॉइस देख लिया आपने एज वाउचर, अगर करना हो तो किस तरह से करेंगे। आइए इसमें से हम ये बिल ले लेते हैं, ओके ये बिल ले लेते हैं। ये बिल किस में एंट्री है, कैश में। यहाँ पर हम आएंगे, पहले सबसे पहले कैश लेंगे। अब यहाँ पे कैश अगर लेंगे तो टोटल कितने कैश का सेल हुआ है, तो 2200 रुपये का। अब हम यहाँ पे 2200 रुपया ले लेंगे, ओके। सबसे पहला पूछ रहा है ऑप्शन ये स्पेयर पार्ट सेल ऑफ 18%, तो यहाँ से हम लोग चूज करेंगे स्पेयर पार्ट, आ चुका है स्पेयर पार्ट सेल एट द रेट 18%, सेलेक्ट कर लेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन लेंगे, अगर आपको आइटम वाइज यहाँ पे करना है तो आइटम आप सेलेक्ट कीजिए, वरना इसे स्केप कर लीजिए। अब ये 18% कितने का है, 677 रुपया 97 पैसे का, तो यहाँ पे इसे मैंने ले लिया। फिर आप दूसरा कितना है, स्पेयर पार्ट सेल एट द रेट 28%, फिर आप यहाँ से लेजर को सिलेक्ट कीजिए और ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है स्पेयर पार्ट सेल ऑफ 28%, इसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ भी आइटम आपको देना है तो दीजिए, नहीं तो इसको एंटर करके स्केप कर सकते हैं। और इसके यहाँ पे ये वाला अमाउंट जो है 28% वाला 703 रुपया 13 पैसा वो ले लेना है। फिर तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे सर्विस चार्ज का है, यहाँ पे आप सर्विस चार्ज का ये वाला लेजर सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे, जितना भी आपका सर्विस चार्ज लगा है वो आप यहाँ से 423 रुपया 73 पैसा सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे CGST और SGST फिल कर रही है। CGST फर्स्ट में पहले लगेगा, जो कि यहाँ ऑटोमेटिक इसमें नहीं लेगा। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये ऑटोमेटिक नहीं लेगा, एज ए वाउचर अगर एंट्री करेंगे तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मैनुअल फिल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मैनुअल फिल करने के लिए 14% 98 रुपया 44 पैसा, फिर CGST SGST 14% लेना है आपको। ये भी अगर CGST 98 रुपया 44 पैसा है तो SGST भी 98 रुपया 44 पैसा होगा। फिर यहाँ पे आप CGST 9% लगा लीजिए। अब CGST 9% कितना है, 99 रुपया 16 पैसा, तो SGST भी आपका 99 रुपया 16 पैसा ही होगा। बाकी जो बचा वो आपका राउंड ऑफ में चला गया और इस तरह से आपका 2200 का 2200 पूरे का पूरा मैच कर गया। तो इस वाले एंट्री में दिक्कत क्या है, ये आपको CGST SGST सब कुछ मैनुअल भरना पड़ेगा, ये भी मैनुअल भरना पड़ेगा, कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं लेगा, ओके। लेकिन अगर आप डिस्प्ले में चले जाते हैं और यहाँ से अकाउंट बुक में सेल रजिस्टर में, तो यहाँ पे देख लीजिए कि इस सब में काफ़ी अंतर है। ये वाले एंट्री की हैं आप तो इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक ले लिया है, अगर आपने ये वाली भी एंट्री की है तब भी इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ टैक्स ऑटोमेटिक ले लिया है। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं और ये इस मूड में एंट्री करेंगे एज ए वाउचर मूड में, तो ये सब कुछ आपको मैनुअली फिल करना पड़ेगा। इस तरह से आज आपने देखा कि किस तरह से हम तीन तरीके से सेल की एंट्री बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।